दोस्तों, मैं वैभव आपका हरिजन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज का जो ये वीडियो, इस वीडियो में देखना इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सरफेस फिनिश। ये नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है और इसमें से अब तक 3-4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, जैसे इंट्रोडक्शन टू सरफेस फिनिश है, फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ सरफेस फिनिश, फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस फिनिश, फिर प्राइमरी सरफेस क्या होता है, सेकेंडरी सरफेस रफनेस क्या होता है, ये सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए है, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नहीं तो फिर मैं ऊपर MQC की क्या कर लूँगा, प्लेलिस्ट की आई बटन दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो वीडियो को देखने से, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं आप एक कमेंट करके मुझे बता सकते हो और लाइक भी कर सकते हो। जैसे लाइक बढ़ेंगे वैसे मेरी और एनर्जी बढ़ेंगी आपको अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने क्या किया है यहाँ पे, इम्पोर्टेंट टर्म्स। अभी ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है इम्पोर्टेंट मेजरमेंट ऑफ सरफेस फिनिश, इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं कुछ, जैसे आगे कुछ डेफिनेशन देखने हैं, CA मतलब क्या, CLA मतलब क्या, RA क्या, RMS क्या, इसके हिसाब से उसके वो आगे के टॉपिक कवर करने से पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पता होने चाहिए, तो वो टर्म्स यहाँ पे कवर कर लेने हैं। इसके लिए मैं पहले आपको क्या करूँगा, एक एग्जांपल देता हूँ कि कंसिडर कर लिए कि ये जो मेरी वॉच है, इसका जो ऊपर का फेस है, ये मशीन पार्ट है आपका, इसको मुझे क्या करना है, इसका ऊपर का सरफेस फिनिश चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो इंस्ट्रूमेंट मुझे क्या करना होता है, यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा, फिर वो सरफेस जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसके अंदर एक ऐसे पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट क्या होता है, ये जो बॉटम वाला जो पॉइंट है वो क्या होता है, वो सरफेस रफनेस पे क्या होता है, मूव होता है, और फिर आपको एक डिस्प्ले पे उसका वैल्यू दिखाता है कि उसका सरफेस रफनेस कितना है। तो लेकिन उसमें जो टर्म्स आते हैं, जैसे मीन लाइन है, इफ़ेक्टिव प्रोफाइल है, ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स ये वीडियो में देखने हैं। तो पहला क्या है कि इफ़ेक्टिव प्रोफाइल है। इफ़ेक्टिव प्रोफाइल मतलब क्या, कि एक ऐसी प्रोफाइल है, ये ऐसी एक प्रोफाइल है कि जो क्या, इट इज़ अ क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर मशीन सरफेस ऑब्टेंड बाय सम इंस्ट्रूमेंटल मीन्स। इट इज़ द क्लोज रिप्रेजेंटेशन, आपका जैसा सरफेस रहेगा, ठीक है, कोई भी सरफेस आप अगर मशीन पार्ट लेते हो एक हदा, ठीक है, एक कंसिडर करो एक प्लेट, इसको आपने मशीनिंग किया है, मिलिंग मशीन में मशीनिंग किया है, लेकिन उसका सरफेस आपको फ्लैट दिखेगा, लेकिन अगर उसको आप माइक्रो ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसमें क्या होते हैं, इस तरह सा आपको शेप मिलता है। इट इज़ द क्लोज रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एक्चुअल सरफेस बाय इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स, उसको क्या कहते हैं, इफेक्टिव प्रोफाइल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है मीन लाइन का। मीन लाइन मतलब क्या, आप देख सकते हो मीन लाइन कहाँ से, ये ऐसे जैसे आपकी प्रोफाइल जा रही है वैसे उसको मीन लाइन भी ट्रैवल कर रही है। तो बेसिकली इट इज़ द ज्योमेट्रिकल लाइन ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ठीक है, और ये क्या कर रही है, आपके जो ऑर्डिनेट्स है ये इमेजिनरी ऑर्डिनेट्स है, y1 y2 y3, और यहाँ पे आगे एक जहाँ तक आपकी प्रोफाइल वहाँ तक ऑर्डिनेट्स रहेंगे, n नंबर ऑफ ऑर्डिनेट्स। तो ये जो स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट्स है उसको क्या कर रही है, ये इसका यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहता है, इफ़ेक्टिव पॉइंट रहता है, मतलब इफ़ेक्टिव लाइन पे जो पॉइंट रहेगा उसको इफ़ेक्टिव पॉइंट कहते हैं। अभी ये जो मीन लाइन है ये क्या कर रही है, आपके जो सरफेस है उसको क्या कर रही है, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है उसको मिनिमम इसमें वो डिवाइड कर रही है, ऐसी जो लाइन रहती है उसको क्या कहते हैं, मीन लाइन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है सैम्पलिंग लेंथ, ये जो है आपका सैम्पलिंग लेंथ देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक है। अभी सैम्पलिंग लेंथ बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करो इतनी बड़ी मेरे एक स्क्वायर प्लेट है, मैंने क्या किया उसको मशीनिंग किया है। अभी मुझे अगर इसका सरफेस रफनेस चेक करना है तो मैं पूरा ये जो सरफेस है इसका मशीनिंग मतलब इस सरफेस फिनिश नहीं चेक कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एक कोई तो भी कॉर्नर पकड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट रहता है वहाँ पे रख के उसका सरफेस रफनेस चेक करना पड़ेगा। अभी जो ये पूरा प्लेट का इवोल्यूशन करने के लिए मैंने जितना लेंथ लिया, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सैम्पलिंग लेंथ कहते हैं। प्रोफाइल, सेंटर लाइन ऑफ प्रोफाइल मतलब क्या, उसके नाम में ही है, सेंटर लाइन मतलब क्या, जो सेंटर से पास होती है उसको सेंटर कहते हैं। उसको अगर और बताना होगा, अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो अगर रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव नेचर है, तो आपका मीन लाइन और सेंटर लाइन एक ही रहता है। और बताना होगा तो समझो, कंसिडर करो ऐसे कुछ प्रोफाइल है
तो क्या होना चाहिए, आपकी मीन लाइन ऐसी होती है कि जो क्या करती है आपके जो प्रोफाइल को इक्वली डिवाइड करेगी, उसको मीन लाइन कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फ्लॉ। फ्लॉ मतलब क्या कि आपका जो सरफेस रहेगा, जो भी कोई मशीन कंपोनेंट रहेगा, उसमें कुछ क्या होते हैं, स्क्रैचेस आते हैं, नहीं तो फिर डेंट मार्क आते हैं। ये जो डेंट मार्क और स्क्रैचेस रहते हैं, ये रिपीटेटिवली आते हैं या रैंडमली आते हैं, उसको क्या कहते हैं, फ्लॉ कहते हैं। फिर ले डायरेक्शन। फ्लॉ में आप, मैं बता सकता हूँ ऐसे कि कंसिडर करो यहाँ पे क्या था, एक ये कास्टिंग का प्लेट था। कास्टिंग प्लेट में यहाँ पे एक क्या हो गया, ब्लो होल आ गया, मतलब यहाँ पे मटेरियल वहाँ तक पहुँचा नहीं था, और जब मशीनिंग किया वहाँ पे ऐसे एक पाथ होल जैसे एक खड्डा रही आपको दिखाई दिया, तो उसको क्या कह सकते हो आप, फ्लॉ कह सकते हो। ये फ्लॉ आपको रिपीटेडली भी आ सकते हैं या रैंडमली भी कहीं पर भी आ सकते हैं। फिर ले, ले मतलब क्या, आप कंसिडर करिए कि एक मेरा ऐसा एक शाफ्ट था और उसको मुझे क्या करना है, फेसिंग का ऑपरेशन करना है। फेसिंग का ऑपरेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल लगाऊँगा ऐसे और फिर उसको आगे लेके जाऊँगा। आगे लेके जाने के बाद क्या होगा, इसका ये जो सामने का जो कट उसको निकल जाएगा। तो जब आपका, आप उसको जॉब को सामने से देखोगे तो क्या होता है, ऐसे ऐसे मार्क्स आते हैं आपको, तो वो क्या कहते हैं, उसको जो मार्क्स आते हैं, जो टूल मार्क्स आपके जॉब पे आते हैं, उसको ले कहते हैं। उसका डेफिनेशन अगर देखा जाए तो इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ प्रीडोमिनेंट सरफेस ऑफ टूल पैटर्न। जैसे आपका टूल काम करेगा वैसे आपके जॉब के ऊपर क्या है, मार्क्स आते हैं। वैसे देखा जाएगा, अगर समझो कंसिडर करो यहाँ पे एक टूल है, ये टूल है और ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसे इसको क्या कर रहा है, ऊपर का मटेरियल निकाल रहा है, तो आपके सरफेस पे क्या आएंगे, ऐसे मार्क्स आएंगे, तो उसको क्या कहते हैं, ले डायरेक्शन। इसमें पैरेलल होता है, सर्कुलर होता है, रेडियल होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, एंगुलर होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ले है, आप वो किताब में पढ़ सकते हैं। तो ये पूरा जो टॉपिक था, इसमें मीन प्रोफाइल, मीन लाइन, इफेक्टिव प्रोफाइल, सैम्पलिंग लेन, फ्लॉ, ये सारे टॉपिक कवर किए। थैंक यू।